आप, मैं ही बोल रहा हूं, करना स्टार्ट करो, टाइम चला जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर आप कुछ चिल्लाते रह जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, बस अफसोस और पुराने दिन को याद करते रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप मान लो, बहुत जन क्या होता है, सैड हो जाता है पुराने दिन को याद कर कर, यहां वैसा था, तो क्या मिलता है आज, आज मिलता क्या है, अफसोस, दुख। तो ये जो पल है इसको भी अगर आपने अच्छे से नहीं जिया तो एक समय ऐसा आने वाला क्या आएगा, वो दिन आपके मरने वाला दिन भी आएगा, एक दिन वो भी आएगा जब आप बेड में पड़े हुए हैं, जिंदगी के अंतिम पल जी रहे हैं, आपका नाती पोता बेटा बेटी पतो सब आपके अगल बगल खड़े हैं, आप उस कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां आप दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं, वो दिन भी आपके जिंदगी में आएगा, आने वाला है। तो आपको सोचना है कि आप पुराने दिन को सोचकर अफसोस करेंगे कि एक टीचर था, पागल था, मुझे समझा रहा था लेकिन मजाक में ले लिए। सोचो ये सब चीज होने वाला है, समझ रहे हैं ना। या फिर जिंदगी जीने का बहुत सारा तरीका है, एक तरीका ये भी है कि आज जी जान लगाकर मेहनत कर दिए, जी जान लगाकर, और कल अपने परिवार के साथ सुखी जिंदगी काट रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे माँ पापा को हर एक चीज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि आप एक समय बहुत दिल लगाकर मेहनत किए थे, पूरा जान लगा दिए थे, उसका फल बहुत लंबे वक्त तक मिल रहा है पूरे परिवार को, ये आपको सोचना पड़ेगा, वरना आज टाइम चला गया तो कल बस याद कर रोते रहोगे। इंसान क्या करता है, याद कर बस रोता है, ऐसा होता वैसा होता, ऐसा कर लेते, अरे किए क्यों नहीं, मौका था किए क्यों नहीं, ऐसा बोलने वाले करोड़ों में लोग हैं, ऐसा बोलने वाले अरबों खरबों में लोग हैं, जो याद करते हैं, रोते हैं, धोते हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन जो कुछ करते हैं वो कुछ लोग हैं। आपको कुछ लोग में आना है या करोड़ों के भीड़ में रहना है, खो जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। समझ पा रहे मेरी बातों को? तो याद रखिएगा, करना क्या है आपको अपने फ्यूचर में, किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहला बात करूं, एग्जाम को लेकर बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है आजकल के वीडियो में, भैया एग्जाम का डेट क्या है, इंफॉर्मेशन कुछ मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो मैं पहले हमेशा बोलता हूं, जब तक आपका एग्जाम का डेट के बारे में क्लियर ना कर दिया जाए, उस दिन से मान लो 1.5 महीने तक या 2 महीने तक आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं आता है उस दिन से, मान लो आज आपका डेट क्या है, 18 जनवरी है, ये मानकर चलो 18 फरवरी तक आपका एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है ना, तो आपके पास अभी भी अगर टाइम देखोगे तो 1.5 से 2 महीने का टाइम है, आज से सोचे, अगर 2 महीने बाद भी एग्जाम नहीं हुआ तो उस दिन से भी आप जोड़ लेना 1 महीने एग्जाम। तो आपको पहले यह प्रूफ करना है, मोटा मोटी पकड़कर चलो 1 साल मोटा मोटी होने वाला है फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो 1 महीना में आप सभी ने क्या पढ़ा है, अब टाइम आया है अपने आप को प्रूफ करने का। और ये वीडियो आप देखने क्यों आए हैं, टाइम मैनेजमेंट, भैया टाइम कैसे मेंटेन करें, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरा जेन्यून, पूरा सच्चाई इंफॉर्मेशन आप सभी को दूंगा इस वीडियो में, A to Z। मेरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, और यह चीज आपको फॉलो करना है, क्योंकि और हां, जितना भी फालतू चीजें आप हमेशा सोचो भाई, आज के डेट में आप भी, आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है, अच्छे से जीना है, ताकि जब मरे भी तो आपको एहसास हो कि जिंदगी मैंने बहुत अच्छे से जिया, लास्ट स्टेज में भी आप अपने मुंह से ये बोल सब छोड़ो, अभी अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो, अभी आपको करना क्या है, अभी टाइम है अपने टैलेंट को प्रूफ करने का, आपका कितना काबिलियत है। देखो आपका 90 मिनट का एग्जाम है रेलवे का, पूरा सटीक आंसर बताऊंगा भाई, 90 मिनट का एग्जाम है, क्या क्या करना है, देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर मैं बात करूं, मैथ है, ठीक है ना, रीजनिंग है, और यहां पर मैं एक बार में लिखता हूं GA, GK और करेंट अफेयर, जो आपका 40 नंबर कवर करेगा पूरा A to Z, ये आपका 30 और ये आपका 30। अब देखो टाइम मेंटेन कैसे करना है, अगर मैं आपको लाख समझा दूं कि आपको इसमें 20 करना है, 25 करना है, 30 करना है, आप फिर भी आंसर नहीं भी पता है फिर भी 40 क्वेश्चन मार्क कर आएंगे, क्यों, क्योंकि ये बस पढ़कर आंसर देना है।
अगर मैं बोलूं इस 40 क्वेश्चन को करने में आपको टाइम कितना लग सकता है, आप बोलो, एक क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने में एग्जाम के टाइम पर बोल रहा हूं, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा आप बताओ। आप बोलेंगे भैया यहां पर 40 क्वेश्चन करने के लिए 15 से 20 मिनट काफी है, ये 40 क्वेश्चन करने के लिए 15 से 20 मिनट सफिशियंट है। जो महा ज्यादा टाइम देना है वो रीजनिंग और मैथ में ही देना है भैया। अब मैं आपको बार बार बोल चुका हूं यहां 15 से 20 मिनट आपको ज्यादा टाइम है, इससे आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के मैंने सब टॉपिक करवा दिए हैं, सब टॉपिक करवा दिया और बहुत सारे टॉपिक करवाएंगे भी। और रात को 9 बजे एक वीडियो आप सभी को मिलेगा कि सोमवार से शनिवार तक आपको कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा सक्सेस की 98 के चैनल पर, वो भी वीडियो देखेंगे रात को 9 बजे आपको मैं दे दूंगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को करने में आपको टाइम कितना लगेगा, बहुत टॉपिक है, सिलोगिज्म है या फिर इनक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट एंजप्शन है, सारे टॉपिक मार लो आप। रीजनिंग में भी ना बोलकर भी ना 30 में 27-28 अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए मैथ की तुलना में तो रीजनिंग आसान है, सभी मानेंगे इस बात को। तो 30 क्वेश्चन को करने में आप बोलेंगे भैया 30 से 32 मिनट टाइम बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अभी बताऊंगा भी कि इसको फॉलो कैसे करना है। तो देखो ये आपको मानना पड़ेगा और इसको लागू कैसे करना है, इसका आदत कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा अभी। मैथ के 30 क्वेश्चन है, अब आपको सब तो अटेम्प्ट नहीं करना है, जैसे मैंने बताया आप तो पूरा मारोगे यहां पर 27-28 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, यहां पर मैथ में आप कितना करेंगे, अब आप एक हिसाब करो आपके पास टाइम कितना बच रहा है। तो आप 20 और 30 50 मिनट आप गवा दिए, 50 मिनट में आप अटेम्प्ट कितना कर कर आए एग्जाम में, तो 40 प्लस इसमें आपको नहीं भी आएगा फिर भी टिक मारोगे भाई, चलो मान लेते आप 35 कर कर आए, 35 और 28 कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 63 क्वेश्चन तो कर लिए, 50 मिनट में कर लिए, 50 मिनट में कर लिए। अभी इसको लागू कैसे करना मैं बताऊंगा, सच्चाई बता रहे, सच्चाई बता रहे भैया, सही बोल रहे भैया, 50 मिनट में 63 क्वेश्चन सही मायने में हो गया और ये हो सकता है एग्जाम में, फिर 90 मिनट में क्वेश्चन छूट कैसे जाता है, बता रहे हैं ना कैसे छूटता है। अब आपके पास टाइम कितना बचा है, 40 मिनट अभी भी बचा है, अब 40 मिनट में आपको मैथ कितना करना है आप बताओ, आपको 40 मिनट में मैथ कितना करना है। अगर देखो एग्जाम निकालना मतलब स्ट्रैटेजी होता है, एक रणनीति होता है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर मैं बोलूंगा यहां पर अपना 15 से 16 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं 40 मिनट में, तो भी जो आपका अटेम्प्ट है वो कहां पहुंच जाएगा, अगर मैं 15 भी जोड़ दूं ना 78 पहुंच जाएगा आपका अटेम्प्ट, देख रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूं। और ये 40 मिनट में 15 क्वेश्चन करना, सभी हाथ उठाकर बोलेंगे बिल्कुल 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 हो जाएगा। यहां पर भी 30 से 32 मिनट में 27-28 क्वेश्चन सब बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन सब रेडी है, यानी आप देख लो आराम से आप 90 मिनट में 78 क्वेश्चन तो कर सकते हो। अब बोलेंगे भैया इसमें गलती भी तो होगा ना, देखो आपको गलती ही करना होता तो मैं यहां पर क्या लिखता 25 लिखता, आपको 15 क्वेश्चन तो मैथ के सही करने हैं और मैंने आपको इतना तो करवा दिया है मैथ में कि आप 22 से 23 24 नंबर अटेम्प्ट सही कर कराओ। और जीके और जीएस जितना सक्सेस की 98 का मैं टीचर आपको पढ़ा दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन बाहर नहीं फंसेगा। एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा आपको करना क्या है, एक बार इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहां पर रात को 11:30 बजे करेंट अफेयर में ना, करेंट अफेयर में सक्सेस की 98 का करेंट अफेयर पढ़ के जाना भाई, और रात को 11:30 बजे वाला क्लास देखना, और एग्जाम देकर जब निकलोगे ना आपको दिल से ना मुझे थैंक्स बोलने का मन करेगा, भैया करेंट अफेयर में आपने मेरा हाथ पकड़ा और एग्जाम तक मेरा हाथ छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि 12 13 14 घंटे में पूरे साल भर करंट अफेयर करवा दूंगा, ये मैं नहीं बोलता। अगर मैं वैसा बोलने लगूं तो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ, आपको जुआ खेलने के लिए बोल रहे हैं। आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको चुनिंदा क्वेश्चन कर कर जाओ एग्जाम के लिए, आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मेरा बाप का कुछ नहीं जाता है। इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब यही है, अगर कोई टीचर बोलता है कि 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन पढ़ लो पूरे साल भर का, तो इनडायरेक्टली अपने मन में यही बोल रहा है, पढ़ लो आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं
कि 3 महीने का करंट अफेयर का रिवीजन करवा चुके हैं। कौन कौन सा? अक्टूबर, सितंबर और आपका अगस्त। ये 3 महीने का रिवीजन जो है मैं आप सभी को करवा चुका हूं, इसका पीडीएफ भी दे दिए। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेना अभी जाकर, ठीक है। और हर एक मंथ का कितना क्वेश्चन करवाता हूं, तो कम से कम आपका 400 से 450, अगर 12 महीने का जोड़ दोगे तो 5000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको पूरे साल भर का करवा रहा हूं, पूरे साल भर का। प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो करवा रहा हूं उसको जोड़ दोगे तो 2 से 2500, यानी एक साल का 7500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। और डेली आपको बस 1 घंटे का समय देना है रात को, और ज्यादा आपको कुछ टेंशन नहीं लेना भाई। ये नहीं कि एग्जाम से पहले फिर दोबारा रिवीजन करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा रिवीजन आपको। 11:30 बजे वाले क्लास में मैं क्या करवा रहा हूं, पूरा झूम कर पढ़ा रहे भाई। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है आपकी, कोई मेरा भाई बोल दे भैया जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप बोर्ड में लिखते हैं ना वो मैं याद नहीं करता हूं, वो आप याद करवा देते हैं, मेरे दिमाग में बैठ जाता है। आप क्लास देखना तो करेंट अफेयर में तो एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा, ये गारंटी है। जीके जीएस, जीएस का मैं 1200 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे चुका हूं, अभी 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ और दूंगा। पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत जो सब कुछ दे रहे मेहनत मिसिंग है। उसके बाद जीके का भी आपको 1000+ पीडीएफ अभी 1000 और देंगे, तो इसके लिए तो तैयारी बहुत बेहतरीन है। शाम को 2 बजे भी, दोपहर में 2 बजे भी क्लास चल रहा है जीएस का, हर एक टॉपिक करवाया जा रहा है, लेकिन रीजनिंग का भी सेम, मैथ का भी सेम करवा रहे हैं। तो ये आपका मोटा मोटी टाइम मैनेजमेंट है, इसको कैसे करना है, लागू कैसे करना है वो देखो एक बार। आपको करना क्या है, नॉर्मली आप इस चीज को थोड़ा फॉलो करिएगा जो भी मेरे भाई बहन है, ठीक है। आप नॉर्मल क्या करना, किसी का भी, मेरा या किसी का भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मेरा ही लेना है, आपको मेरा ही प्लस कोर्स खरीदना है, प्लस कोर्स तो बेचते नहीं है, मेरा ही लेना है। किसी का भी लो जो आपको अच्छा लगे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। किसी का भी आप स्पीड टेस्ट लो, ठीक है, या मॉक टेस्ट लो, किसी का भी आप ले लो, ठीक है ना। मैं भी अगर मेरी खुद की बात करें तो आपको 349 रुपए में पूरे एक साल के वैलिडिटी के साथ पूरे हर एग्जाम का, एससीसी के सारे एग्जाम का, बैंक के सारे एग्जाम का, रेलवे के सारे एग्जाम का जो है वो टेस्ट आपको दिया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। रेलवे का 90 सेट मैंने आपको दिया है, एससीसी का तो बहुत सारा, ठीक है। आपको हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं, अगर 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो, ठीक है ना। अब कैसे बाई करना मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में, और कैसे टेस्ट देना है। अब एक बार देखो, अगर आप एक बार मॉक टेस्ट ले लिए किसी का भी, ठीक है, आप पहला टेस्ट दो, और पहला जब टेस्ट देंगे तो आप कुछ फॉलो नहीं करेंगे, कुछ आदत नहीं बना रहे, अब बस नॉर्मल टेस्ट दे दिए 90 मिनट का, आपका अटेम्प्ट 70 आया और नंबर जब देखे तो आया आपका 40 और 42 नंबर बंद कर दिए। अच्छा, इतना कम नंबर भैया आया क्यों? और एग्जाम से पहले जो हम दिमाग में सोच रहे थे कि रीजनिंग मुझको इतने मिनट में करना है, जीके इतने में करना है, मैथ इतने में करना है, लेकिन एग्जाम देने के बाद मेरा ये डाटा गड़बड़ा क्यों गया, इसके ऊपर सोचना है आपको, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, गलती कहां हो गया। स्पीड बढ़ाना है। करना क्या है, पहला टेस्ट चला गया, दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट जाने के बाद आप एक नॉर्मल ना कॉपी बना लीजिए भाई, आप एक नॉर्मल कॉपी बना लीजिए, वहां पर लिख लीजिए पहला टेस्ट। पहला टेस्ट लिखने के बाद वहां पर लिख लीजिएगा मैथ इतना तो मेहनत करो, अगर आपको अपने फ्यूचर को सुधारना है तब, वहां पर लिख लेना रीजनिंग और वहां पर लिख लेना करंट अफेयर। अब आप क्या करना, आपको टाइम नहीं लिखना है, आपको लिखना है मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, ये आपको लिखना है। एग्जाम देने के बाद पेपर का विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, सब आंसर उंसर सब दिया गया है, कितना क्वेश्चन किए हैं और कितना गलत हुआ है, सही गलत। उसके बाद उसमें नंबर कितना स्कोर किए, आप अपने जब देखोगे ना आग का फटा रह जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप बोलेंगे भैया 5 से 6 नंबर ही मैथ में आया, नंबर सही और गलत पूरा काटे कुटी करने के बाद इतना नंबर आया, एक अंदर सा डर लगेगा, अरे इतना मैथ में कम नंबर उठा रहे हैं।
पूरा तो लग रहा है कि 42-45 उठ गया, लेकिन जब अलग अलग कर कर देख रहे तो मैथ में 5 से 6 नंबर ही उठ रहा है मेरा भैया, जबकि मैथ में हम अगर मिला ले तो 20-25 मिनट दे रहे हैं, यानी 20-25 मिनट में 5 से 6 सवाल ही कर पा रहे हैं। क्यों? सेम रीजनिंग का भी करो, सेम करेंट अफेयर का भी करो, यहां से एक आपके अंदर आग जगेगा अपना नंबर देखने के बाद, भैया इतना नंबर उठ रहा है मेरा मैथ में, अलग अलग कर कर देखो। जब अगला टेस्ट देंगे ना तो अलग सा एक जान नजर आएगा। अब आप जब अगला टेस्ट दोगे तो माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा पहले से ज्यादा करना है, और बहुत अपनी एक एक गलती जो है वो दिमाग में आता रहेगा। जब आप टेस्ट दोगे तो एक एक गलती दिमाग में आएगा, और वो चीज आएगा कि जो हम पहले कर चुके हैं वो दोबारा गलती हमको नहीं करना है, वरना मेरा रिजल्ट वही होगा। सेकेंड दिन, और आपको डेली लगाना भाई, टेस्ट आपको डेली लगाना है, पर डे 90 सेट दिए, एग्जाम बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा। दूसरा जब टेस्ट देंगे तो देखेंगे नंबर उठा 7-8, इसमें भी उठा। जब दूसरे टेस्ट को एनालाइज करेंगे तो वहां पर हल्का हल्का दिमाग में जो जंग लगा है ना वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करें, 7-8 उठा, कहां गलती हो गया, अब थोड़ा पढ़ने में भी मन लग रहा है, अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भैया, अब थोड़ा लग रहा है कि हम एग्जाम देने के मूड में रंग रहे, आस्ता आहिस्ता आहिस्ता 7-8 नंबर उठा, यहां कहां गलती हो गया, थोड़ा पूरा रंग लगा दो, पूरा सब कुछ दे रहे हैं, बस मेहनत का कमी है। 2 टेस्ट हो गया, 3rd टेस्ट, 4th टेस्ट, 5th टेस्ट, 6, 7, 8, 10 टेस्ट देने के बाद कोर्ट के पेपर में साइन मार दे रहे हैं, जितना चीज मैंने बताया है अगर ये फॉलो कर लिए, आप बोलेंगे अपने दिल पर हाथ रखकर, भैया पहले टेस्ट में जो मेरा नंबर आ रहा था 10 टेस्ट के बाद नंबर भैया बढ़ गया है। ये बात जादू हुआ कैसे? जादू नहीं है, ये जादू नहीं है जो मैं बता रहा हूं, जादू नहीं है, मेहनत है, इसके प्रति लगन है, स्ट्रैटेजी है, आपका इंटरेस्ट जग रहा है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब चीज आपको करना है कम से कम मेहनत के साथ, ठीक है? तो कम से कम ये सब चीज आप भाई डेली आप एक लगाना है, आपको एक टेस्ट तो आपको कम से कम पर डे लगाना ही लगाना है। उसके बाद 10 टेस्ट देने के बाद आप देखोगे, अब आपके दिमाग में आएगा अब मुझे नंबर और इंक्रीज करना है, अब मुझे नंबर और इंक्रीज करना है, अब क्या करें, मैथ में कौन कौन से टॉपिक में नंबर मेरा उठ रहा है हर एग्जाम में। तो आप देखोगे 10 टेस्ट देने के बाद, यार हम हर एग्जाम में ना एक चीज हमको नजर आ रहा है कि टाइम एंड वर्क, कार एंड समय, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, सर्ट्स, इंडेसेस, घाटक, किरणी, इन सब में मेरा नंबर उठ रहा है, बाकी चीज मेरा नंबर नहीं उठ पा रहा है। चलो 2 चैप्टर को और पकड़ लेते हैं, ताकि अब अगली बार क्या करेंगे, उस 2 चैप्टर के सबको और करेंगे। अब एक आपका अलग अलग दिमाग काम कर रहा है, क्यों दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि जो जंग लग गया था आप सोच कर बैठे थे करे क्या नहीं करे, अब आहिस्ता आहिस्ता खुद दिमाग खुल रहा है और कोई आपको बता नहीं रहा है, आप खुद जब मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका दिमाग खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वहां से अब एक प्लांट की तरफ आप बढ़ चुके हैं, एक सक्सेस की, अब आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, जो आपका 1 साल तक ग्राफ ऐसे था अब ग्राफ ऐसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब करना स्टार्ट कर दिए ना, आप उसमें कूद गए, अब झेलना, पर डे आप एक नया नया चीज सोच रहे हैं, अब आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, यह सच्चाई है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है भाई, सच्चाई बता रहा हूं, करेंगे तब मिलेगा, वरना एग्जाम आएगा एग्जाम जाएगा, अब नहीं तो कभी नहीं, फिर बोलोगे आगे एग्जाम में, कभी नहीं होगा, ठीक है? अभी टाइम है, अभी करना है, अभी मौका है, अभी ये जो मौका ये चल रहा है ये अपने टैलेंट को प्रूफ करने का उम्र है। स्कूल लाइफ में जाने का बैग टांग कर मौका नहीं है, कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, यूएस गर्लफ्रेंड पटा रहे हैं, वो सब अभी टाइम नहीं है, अभी जो जिंदगी आप जी रहे हैं ये जिंदगी कौन सा है, ये जिंदगी अपने टैलेंट को प्रूफ करने का समय है। ये क्यों? क्योंकि जब एक बार आप कूद चुके हो उस दलदल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उस दलदल से बाहर निकला कैसे जाए वो आपको ही निर्णय करना है, और आप कर सकते हैं, सभी के अंदर काबिलियत है, बस सोए रहते हैं, ठीक है? तो आपको कम से कम इतना करना है। टाइम मैनेजमेंट कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत जन बोलता है उसके अंदर डर रहता है, डर, भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अरे कुछ नहीं है टाइम मैनेजमेंट,
वो कुछ है ही नहीं, बस आप करना स्टार्ट नहीं किए। जब आप एक बार करेंगे ना तो आप खुद अपना एक एक चीज बढ़ते चल जाएंगे, दिमाग आपका काम करने लगेगा, फिर आप मेरा बात नहीं सुनोगे, आपका बस एक ही बात याद रह जाएगा, जीतू भैया जो बोल रहे थे ना वही चीज मेरे साथ हो रहा है, हर चीज वही साथ सब कर चुके हैं भाई, 3 बार बैंक एग्जाम निकालने के बाद ये सब हो चुका है मेरे साथ, वही चीज बता रहे, सच्चाई बता रहे आप सभी को, समझ पा रहे हैं? तो ये कम से कम आपको करना है, अगर एग्जाम निकालना है तो एग्जाम का डेट कल आ जाए, आप कितना रेडी है एक बार अंदर से पूछो, आप सभी कितना रेडी है, नहीं रेडी है तो आपको कम से कम मेहनत करना है। रात को 9 बजे एक वीडियो दूंगा, इस हफ्ते यानी सोमवार से शनिवार तक आने वाले दिन में मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर कराऊंगा उसका एक बार लिस्ट दे दूंगा, इस हफ्ते में एक बार देख लेना आपका कौन कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है, ये करो भाई। देखो इतने जन को मैं बोलता हूं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं तो उनका तो कोई हो सकता है मुझसे भी बेटर कोई, बहुत सारे टीचर है भाई, बहुत सारे टीचर है हमसे ग्रेट, ऐसे बहुत सारे टीचर जो हमसे बहुत महान है, बहुत सारे टीचर है, ठीक है, एक्चुअल वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है तो उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सुनते हैं जो करते हैं उनको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब एक बार आप सभी देखो कि आप स्पीड टेस्ट कैसे ले सकते हैं कैसे नहीं, अगर आप किसी का लिए हैं तो दोबारा लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं यही बोलूंगा आपको जिसका अच्छा लगे उसका आप दो, ठीक है, चलो। तो करना क्या है ध्यान से देखिएगा, एक बार आप अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है सक्सेस की 98, ठीक है, सक्सेस की 98 जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा, ऊपर वाले को आपको ओपन करना है, मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास ये पेज नहीं खुलेगा, अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको बोलेगा अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड बना दीजिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे, तो वो ईमेल आईडी, फोन और पासवर्ड लगाकर रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसी फोन नंबर और जो पासवर्ड बनाए हैं उसके द्वारा लॉगिन हो जाइएगा, या फिर उस ईमेल आईडी और उस पासवर्ड के सहायता से, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे आप सभी के पास बहुत सारा रेलवे, इंश्योरेंस, एसएससी, बैंक, सभी का हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया गया है, जो आपको पूरे 1 साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा, या फिर 1 साल तक जितना भी एग्जाम आएगा हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे मैं आपको रेलवे का खोल कर दिखा दे रहा हूं और बाइक कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने रेलवे का खोला तो ऊपर में देख रहे हैं आप सभी NTPC Level 1 Group D, JEE ALP Group D, लेकिन आप सभी को पता है कि ALP और आप सभी का RRB JEE में जो CBT 1 एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस और NTPC ग्रुप डी का सिलेबस सेम है, तो आपको हर एक एग्जाम देना है। आप एग्जाम कैसे देंगे सबका, पहले आप ये देख लो, NTPC ओपन करेंगे, ऊपर में ओपन करेंगे, आपके सामने टोटल 30 सेट यहां पर है, तो 30 सेट आपको देना है एग्जाम से पहले ताकि आप जज कर पाओ। प्लस ग्रुप डी में आप देखेंगे पूरा आपके पास 30 सीट यहां पर है तो ये भी देना है, ये नहीं कि NTPC देने तो ग्रुप डी नहीं देंगे, ग्रुप डी और NTPC का पैटर्न सेम है, तो 60 ये हो गए। प्लस RRB लेवल 1 खोलेंगे तो यहां पर आपको 20 मिल जाएगा, 60 20 80, ये हो गया 80 सेट। ALP में आपको मिल जाएगा 10 यानी 90 सेट। RRB JEE यहां पर RRB JEE में स्टेज 1 वाला यहां पर आपको 10 मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 टेस्ट आपको देना है। आप सोच लो आप डेली 2 देंगे 3 देंगे, लेकिन देना है, देने के बाद अपने आप को जज करना है डेली कि मेरा गलती कितना है। पक्का 100% रिजल्ट आता है, स्टूडेंट बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट देने के बाद 15-20 मेरा नंबर 10-12 नंबर इंक्रीज होने लगा है, ताकि क्या होता है वो अपना गलती देख रहे हैं एग्जाम से पहले, गलती क्या कर पा रहे हैं। अब एग्जाम कैसे देना मैं पहले आपको वो दिखा दे रहा हूं। मान लो, और एक बात, अगर आप बस NTPC बाई करेंगे तो 149 में आपको बस 30 सेट ही मिलेगा और ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ऊपर वाला जो ये है ना 349 वाला पैक, ये बाई करिएगा ताकि 349 में जितना भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। अगर आप बस NTPC का बाई करते हैं तो बस आपको NTPC का ही मिलेगा, लेकिन आपको मैं बोलूंगा पूरा बाई करना। अगर आप मान लो टेस्ट कैसे देना है, आप NTPC का टेस्ट देना है, ठीक है,
तो यहां पर देखेंगे दो टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा जो आप दे सकते हो, लेकिन बाकी पर लॉक लगा रहेगा। बाई कर लेंगे 349 वाला तो आपका पूरा का जितना टेस्ट है लॉक खुल जाएगा। थर्ड नंबर टेस्ट कैसे देना है देखो, यहां पर बाई करने के बाद टेक टेस्ट है, इस पर ओपन करना है। जैसे ही ओपन हुआ देखो क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, इसको हिंदी में कैसे करना है, तो यहां पर कोना में कॉर्नर में आपको दिया गया लैंग्वेज चेंज करने के लिए, लैंग्वेज चेंज, स्पीड टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद पूरा, और यहां पर देखेंगे आप सभी का टाइमर भी चल रहा है ऊपर में, पूरा टेस्ट देने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका रैंक दिखाएगा, रैंक दिखाएगा, साथ साथ दिखाएगा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। जैसे मैं आप सभी को दिखा दूं, यहां पर मान लो इस पर देख रहे हैं एक वाले में, यहां पर आप सभी देख पाइए टोटल 5530 स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं अभी तक। बहुत जन लिए, बहुत जन बोले भैया बहुत फायदा होता है। अब आपको क्या करना है, बाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मान लो आपको ये 349 वाला जो है ये बाई करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, तो अपना फोन नंबर देकर लॉगिन हो जाइएगा। फोन नंबर जो भी आपके बैंक में, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर नंबर दिया, यहां पर ऑप्शन आ गया आपका फोन पे का या गूगल पे, जिससे आपको बाई करना है। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे अदर मैथड में जाएंगे तो आपका यहां पर देखिए वैलेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर पेमेंट करने के बाद 5-10 सेकंड रुकिएगा, सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो है वो पूरा पैक खुल जाएगा। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे टेस्ट देना है, सब कुछ। अब आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहा हूं आप सभी के साथ।